मथुरा की प्रसिद्ध जगह है होली गेट। हम इस समय होली गेट चौराहे पर हैं। है हमारा जो मथुरा जनपद है वो एक तीर्थ स्थल है। इसके बारे में कहा जाता है ये तीनों लोगों से न्यारी है। और मथुरा वृंदावन आजकल राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है, लेकिन हमारे यहाँ का अभी तक नहीं हो पाया है। अभी आप देखेंगे कि जो वर्तमान के नगर निगम के जो 2017 को लेकर ट्रैफिक को लेकर आपका नाम क्या है और क्या कहना है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, आप देखिए कि अब तक की जो सरकारें यहाँ रही हैं उनका उनके लिए मथुरा कोई भूमिका ही नहीं रखता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब वो एक आस्था का केंद्र उन लोगों ने किया है, क्योंकि जिस तरीके की परेशानियां पिछले सरकारों ने खड़ी की हुई थी उनको सुधारने में समय लग रहा है। एक बात अभी बोली कि शुक्रवार को आप देखिए कि जाम की व्यवस्था रहती है। आप ये देखिए कि पुराने समय में जब ये सारी चीजें होती थी उस बीच में कभी किसी सरकार ने कोशिश नहीं करी कि रोडों को चौड़ा किया जाए या किसी तरीके की व्यवस्था बनाई जाए। आज क्योंकि टूरिस्ट के नाम पे बढ़ावा सरकार उसको दे रही है, इसीलिए तो भीड़ बढ़ रही है। भाई आज भीड़ बढ़ रही है, जाम लगने का कारण भी तो ये है कि सरकार का ध्यान उसको बढ़ावा देने पर है। धीरे धीरे उनके लिए भी लगातार प्रशासन लगा हुआ है, प्रशासन व्यवस्था सुधार रहा है। अगर सुधार रहे हैं कहना है भाजपा के साथी का, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। अगर बात की जाए मथुरा वृंदावन की, काफी अहम नगरी है, ब्रज का पॉइंट माना जाता है, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? देखिए मथुरा वृंदावन एक धार्मिक नगरी है और इस भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार है इनका पूरा पूरा फोकस जो प्रचार में है वो अयोध्या हो चाहे मथुरा हो चाहे काशी हो। पीछे बरसात में आप इस रोड को देख सकते हैं पानी भर जाता है पूरा। दोनों सदस्य भाजपा के सभी वार्डों में ज्यादातर पार्षद भाई साहब अभी आपने कई सारी उपलब्धियां गिनाई थी और लगातार आपके सहयोगी प्रहार कर रहे हैं, लगातार कमियां बता रहे हैं। तो अब ये बताइए कि 5 साल में मेयर आपका, सरकार आपकी, केंद्र में आपकी, इतनी उंगलियां क्यों उठ रही है? देखिए ये जो अभी पानी भरने वाली समस्या पे भाई साहब ने केंद्र ध्यान जो आकर्षित किया है, अगर हम 5 साल पीछे चले जाएं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी उस समय पानी भरने के साथ साथ वो 8-8 दिन भरा रहता था, लेकिन आज जब वो पानी भरता है क्योंकि आप देखिए कैपेसिटी अगर मेरी 100 क्यूबिक की है और 1000 क्यूबिक अगर पानी आएगा तो कहीं ना कहीं वो रुकेगा, लेकिन विद इन अ 2-3 आवर ये रोड वैसे ही क्लियर होते हैं जैसे अभी आप देख रहे हैं। रही बात ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक के लिए आज आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि देखिए सब ये तो कह रहे हैं कि मथुरा ऐसा बदल गया कि पावन धरती हो गई है, और आप बता जबकि जीतना है और बड़ी दमदारी करनी है तो इन सब मुद्दों पे भी काम करना होगा। सहयोगी गौरव और गीतम के साथ सुरेश चतुर्वेदी, भारत समाचार, मथुरा। मथुरा की प्रसिद्ध जगह है होली गेट। हम इस समय होली गेट चौराहे पर हैं।